हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी ईरर राशन कार्ड को प्रिंट करने में आ रहे हैं, या कभी ऐसा भी आ रहा है कि राशन कार्ड प्रिंट करने पे उसमें ब्लैंक हो जा रहा है, उसमें कोई भी डिटेल्स आपको दिखाई नहीं देता है। तो क्यों दिखाई नहीं देता है और क्या कारण है कि आपका जो पूरा पेज है वो पूरा ब्लैंक और ईरर आ रहा है। ऐसा बहुत से मेरे दोस्तों मेरे व्यूअर्स ने कमेंट किया कि भैया जब हम राशन कार्ड प्रिंट कर रहे हैं तो क्यों ईरर आ रहा है, और आप जब प्रिंट कर रहे हैं तो क्यों वैसा आ रहा है, यानी पूरे फिगर, नाम, मोबाइल नंबर, पूरे फैमिली होल डिटेल्स जब हम कर रहे हैं तो आ रहा है और आप लोग कर रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहा है। मेरे व्यूअर्स ने पूछे हैं कि भैया आप जब प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट हो रहा है और जब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, क्या आप कहीं इसके लिए कोई अलग फ्रेम नहीं रखे हैं कि हमको दिखाने के लिए आप अपने से प्रिंट कर रहे हैं और उस पर कहीं अलग से आप एडिटिंग करके आप फिगर लगा दे रहे हैं। तो ऐसा कोई भी बात नहीं, मैं जैसा प्रिंट कर रहा हूँ कभी हो रहा है मैं भी वैसा ही कर रहा हूँ, जब नहीं हो रहा है प्रिंट तो मैं उसको पेज को फिर रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह आपको लाइव करके दिखाते हैं और आप भी देख सकते हैं कि आप जब कर रहे हैं तो क्यों एरर आ रहा है। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। Hey guys, I am Samir and must welcome all of you on my YouTube channel Digital Power। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम इसके लिए आपको लेके चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, वहां से हम आपको पूरी डिटेल्स देंगे कि आप किस तरह अपने जो राशन कार्ड है या जो भी राशन कार्ड हो, चाहे वो पिछले हो या अभी नया बना हो, आप प्रिंट कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके अपने मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ पे सिंपल अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद जैसे आप लोग चेक करते होंगे, मैं भी वैसा चेक करके आपको दिखाऊंगा, फिर उसका प्रॉब्लम जो हुआ है उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि आप कैसे अपना जो स्टेटस चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं अपना राशन कार्ड। चलिए इस सिंपल हमको क्रोम ब्राउजर ओपन कर देंगे। मैंने आपको बताया था सिंपल ईपीडीएस डायल करने के लिए, तो ईपीडीएस मैं अभी भी डायल कर दे रहा हूँ, देन टाइप कर दिया, उसके बाद सर्च आइकन पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ ऑफिशियल साइट पे आपको लेके चला जाएगा और ऑफिशियल साइट इसका ओपन होगा। देखिए फ्रेंड्स इसका ऑफिशियल साइट ओपन हो चुका है, मैं इसको जनरली डेस्कटॉप साइट पे अपलोड इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप चेक करते होंगे यहाँ से, तो मैं भी यहीं से चेक कर ले रहा हूँ, यानी RCMS रिपोर्ट पे, तो मैं RCMS रिपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आ चुके हैं हम जहाँ से मैंने आपको पूरा डिटेल्स दिया था सिंपल। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैंने सेलेक्ट किया था, इसके पहले आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप कर सकते थे, तो इससे पहले मैंने बताया था फ्रेंड्स किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, तो मैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। चलिए मैं किसी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, वहाँ से मैं चेक करके आपको बताता हूँ कि आपका जो भी मतलब दिक्कत है वो क्या है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स उसका सॉल्यूशन भी मैं इसमें बताऊंगा। चलिए मैं पश्चिम चंपारण सेलेक्ट कर लिया, शो पे क्लिक कर दिया। आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे लेकिन एरर बता रहा होगा, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स मैं रूलर से हूँ, रूलर क्लिक कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ से आप लोग अपना ब्लॉक चुन लीजिएगा, मैंने चुन लिया, आप भी चुन लिए होंगे। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ से अपना पंचायत सेलेक्ट करना है, तो पंचायत सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से गाँव सेलेक्ट कर लेना है, विलेज, ठीक है फ्रेंड्स। इतना करने के बाद एरर क्या आता होगा, चलिए देखिए फ्रेंड्स। मैंने बताया था कि आप लोग क्या कीजिएगा, अपने राशन कार्ड जो नंबर दिखाई दे रहा है इसके सामने आपको क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिएगा नाम, आप ध्यान से इसी पे मैं पूरा बता दूंगा आपकी इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए फ्रेंड्स चंद्रावती देवी और इसके फादर्स का नाम है रघुनाथ ठाकुर, ठीक है फ्रेंड्स। और FPS ID भी डीलर आप देख लीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ से हम बता देंगे। देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे मैं जब क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स ये ब्लैंक पेज दिखा रहा है, इसमें ना ये राशन कार्ड का नंबर दिखा रहा है, ना राशन कार्ड का प्रकार, ना ही उसका फोटो, ना कार्डधारी का नाम, कुछ भी यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यही ना एरर था, इसी एरर को मैं इस वीडियो में आपको दूर करने वाला हूँ सिंपल। फिर हम बैक आएंगे और जब बैक आएंगे तो मैं एक और चेक कर ले रहा हूँ, 0206 देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे। चलिए मैं एक बार और फिर चेक करके दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ और इसको नोट डाउन आप करके रखिए, मैं आपको जो एरर आ रहा है उसको सॉल्यूशन में बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 100 100 400 52 00 95 4 02, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें 100 100 400 52 00 95 4 06 दोनों, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे
4009 इस तरह है, किसी पे हम क्लिक करते हैं, मान लीजिए 6 वाला पे क्लिक किए, ये भी वैसा ही दिखा दिया। अब इसका एरर को हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, अपना फिर दूसरा पेज ओपन करेंगे और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब टाइप क्या करना है, epos, ठीक है फ्रेंड्स, epos.gov.in टाइप कर देना है और सिंपल सर्च आइकन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोनों वेबसाइट का, दोनों पर से आप चेक कर लीजिएगा, पहले उस पर कर लीजिएगा, उस पर अगर एरर बताए उसके बाद यहाँ पे आपको आना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप सेट कर लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पे आना है फ्रेंड्स आरसी डिटेल्स पे। अब यहाँ से आरसी डिटेल्स पर जब क्लिक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप मंथ आप सिलेक्ट कर लिए, चलिए अभी मई चल रहा है तो मैं जून चल रहा है तो पिछले साल महीना का जो उठाया था राशन उसका देख लिया जाता है, 2020 यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, मई और ईयर 2020। उसके बाद यहाँ पे आरसी नंबर यानी राशन कार्ड का नंबर जो वहाँ पे दिया हुआ था फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख लीजिएगा यहाँ पे जो नंबर दिया था, चलिए मैं इसको बैक करके दिखा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो नंबर दिया था, मैं इसी नंबर को फिर क्या करूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वाले साइट पर लेकर मैं अपलोड कर दूंगा, यानी नंबर यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होगा तो मैं यहाँ पे डाल ले रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स 100 100 400 उसके बाद 52 00 95 2 3 4 00 उसके बाद 2, यही ना था फ्रेंड्स। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा सबमिट पे क्लिक कर देना है, देख लीजिए फ्रेंड्स नंबर यही था, फिर से आप चेक कर लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर वहां से नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट चेक कर लीजिएगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 100 100 400 52 00 95 4 02, चलिए मैं वहां भी दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी देख लीजिए 100 100 400 52 00 95 4 06, चंद्रावती देवी देख लीजिए राशन कार्डधारी का नाम, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए फ्रेंड्स 100 100 400 आप देख सकते हैं इसमें चंद्रावती देवी, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चंद्रावती देवी, ठीक है फ्रेंड्स, 5 आदमी इसमें टोटल है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पे तो डाटा शो कर रहा है, पूरा डाटा शो कर रहा है इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, दिक्कत ये आ गई है इसमें कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एरर, देखिए फ्रेंड्स ऑथेंटिकेशन राशन कार्ड नंबर, यहाँ पे देखिए FPS ID और बायो, देखिए फ्रेंड्स यहाँ बिरजू ठाकुर जो गए थे, देख लीजिएगा सुनीता देवी, टोटल आदमी ने अपना चेक कराया है, और यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे एरर कोड में देखिए एरर कोड क्या दिया है, 300 300 क्या है फ्रेंड्स एरर कोड, चलिए हम आपको दिखाते हैं 300 एरर कोड है क्या, सिंपल देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा एरर कोड, एरर कोड पे जब क्लिक करेंगे तो UIDAI यहाँ पे यानी आधार की साइट पे आपको ले जाएगा, यानी UIDAI, ठीक है फ्रेंड्स, तो UIDAI पे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा, देखिए फ्रेंड्स जैसा कि अभी ओपन हुआ है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एरर कोड यहाँ पे मिलेगा आपको एरर कोड, और यहाँ पे जो एरर कोड नंबर देगा जैसे नंबर में दिखा रहा था, और यहाँ पे आपको एरर डिस्क्रिप्शन इंग्लिश और उसका हिंदी में, यहाँ पे तो एरर कोड 300 बता रहा था, तो 300 एरर कोड देखिए फ्रेंड्स यही ना है, 300 एरर कोड 300 बायोमेट्रिक डाटा डिज नॉट मैच, यानी बायोमेट्रिक जो मेल नहीं खाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा कि हाँ हमारा सॉल्यूशन हो गया कि क्या इसमें दिक्कत थी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हम आएंगे बैक, ठीक है फ्रेंड्स, और बैक आके हम यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा राशन कार्ड जो 6 था लास्ट में, तो हम दूसरा राशन कार्ड भी आपको दिखा देते हैं 6 करके, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आप देख लीजिएगा, आप खुद अपना चेक कर लीजिएगा, जब वहां पे आपको नहीं मिले तो इस साइट से आके अपना राशन कार्ड नंबर आप डाल के चेक कर सकते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स इस तरह का जब हम 6 नंबर डाल के राशन कार्ड का लास्ट डिजिट 6, तो देख लीजिए उनका भी यहाँ पे ओपन हो रहा है, शो हो रहा है कि उनका भी राशन कार्ड है वो बन चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे 300 और 100 दोनों एरर बता रहा है, और आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको देखना हो तो फिर आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, ऊपर आइएगा और यहाँ पे एरर कोड में आप जाके चेक कर लीजिएगा कि 100 का मतलब क्या होता है और 300 का एरर का मतलब क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप इस तरह पूरा अपना चेक कर सकते हैं, जिस मंथ का आपको चेक करना है, चाहे वो आप अप्रैल का काय नहीं करें, फिर अप्रैल का सबमिट कीजिएगा तो पूरा डिटेल्स आपके सामने इस प्रकार शो होने लगेगा।
मैं समझ सकता हूँ कि आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुका होगा। अगर अब भी किसी प्रकार का दिक्कत है तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने है। जो भी है यहाँ पे लास्ट में 6 नंबर है, लास्ट डिजिट 00006, इसमें भी आप देख सकते हैं 00006 आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसमें भी नाम देख लीजिए और इसमें भी नाम आपको हम दिखा देते हैं फ्रेंड्स, कहीं आपको दिक्कत ना हो। देखिए भागीरथी देवी इसमें है तो इसमें भी आप आगे देख लीजिए भागीरथी देवी है कि नहीं है, देख लीजिए फ्रेंड्स फीमेल। आप इस तरह अपना चेक कर ले, घबराने की कोई बात नहीं। अगर इस पे शो ना करे ईपीडीएस की साइट पे, अगर आपका राशन कार्ड जैसे हो रहा है एरर कि आपका ब्लैंक पेज आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं, आपका राशन कार्ड रिजेक्ट नहीं हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जब इस पे दिक्कत हो तो यहाँ पे आए, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा रहा आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।